नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्निंग जी। आधुनिक भारतीय इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और इस श्रृंखला का ये छठा पार्ट है। और ये आगामी आरआरबी एनटीपीसी 2019 एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शुद्ध होगी। इसके अलावा जो भी आगामी एग्जाम्स हैं वो इन टॉपिक के द्वारा कवर होंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है और हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए अप्रिशिएट करता है। किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप अपनी ईमेल आईडी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और आज का इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। जैसा कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किया गया था, तो आपको उस व्यक्ति का नाम बताना जिसने इस सत्याग्रह का विरोध किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो एनजी रंगा। एनजी रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। हमारे आंसर देने से पहले आप भी इन क्वेश्चंस का आंसर गेस कर सकते हैं और अपने नॉलेज को एनालाइज कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि हमारे आंसर देने से पहले आप इन क्वेश्चंस का आंसर जरूर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने भूख हड़ताल को सबसे लास्ट स्टेज का हथियार बनाया था। इट मीन्स उसके पहले वो धरना, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन और बातचीत के द्वारा किसी भी समस्या को हल करने को प्रायोरिटी देते थे, लेकिन जो भूख हड़ताल थी उसको वो अपना अंतिम हथियार मानते थे। लेकिन जब उनके पहले वाले जो भी प्रक्रियाएं थी वो फेल हो जाती थी तब वो भूख हड़ताल का प्रयोग करते थे। तो इन्होंने भूख हड़ताल का प्रयोग पहली बार किस आंदोलन के दौरान किया, तो ये है अहमदाबाद की हड़ताल। अहमदाबाद में जो मिल वर्कर्स थे जिनकी वेतन विसंगतियों के लिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, तो उसमें जब किसान मजदूरों की बातें नहीं मानी गई तब इन्होंने भूख हड़ताल का प्रयोग एक हथियार के रूप में किया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ पर दिया था। इट मीन्स जो महात्मा गांधी थे उन्होंने सबसे पहले लोगों को कहां पर संबोधित किया था या अपना जो पहला भाषण था वो कहां पर दिया था, तो वो दिया था वाराणसी में। वाराणसी में उन्होंने पहला जन भाषण दिया था। नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला जो पहला भारतीय था वो कौन था, तो इसका जो सही आंसर है वो है MN रॉय। MN रॉय जो थे वो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट है, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी। तो मजदूरों के लिए सबसे पहला जो मजदूर संघ बनाया गया था जिसमें उनकी जो समस्याएं थी उनको निवारण करने के लिए एक यूनियन का गठन किया गया था, तो 1918 में इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? VP वाडिया के द्वारा। VP वाडिया ने 1918 में पहला मजदूर संघ स्थापित किया था। नेक्स्ट है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इसी तरह से जो व्यापारी संघ था, जो मुंबई के व्यापारी लोग थे उन्होंने एक अखिल भारतीय स्तर का व्यापारी संघ जिसमें व्यापारियों की समस्याओं का निवारण करने के लिए जो संघ बनाया गया था तो उसकी स्थापना कब हुई थी, तो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना जो हुई वो 1920 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। जो ट्रेड यूनियन बनाई गई व्यापारियों के लिए तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय जो थे वो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट है, सौमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था। सौमेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा एक दल स्थापित किया गया था, एक राजनीतिक दल स्थापित किया गया था, तो इसका जो नाम था वो क्या था, इसका नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सौमेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1940 में, तो किसके द्वारा किया गया था, ये की गई थी MN रॉय के द्वारा। MN रॉय 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया था जो कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के पहले भारतीय सदस्य भी थे।
नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट लाने का उद्देश्य क्या था? रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में लाया गया था, और इसके लाने के पीछे जो उद्देश्य था अंग्रेजों का वो क्या था? वो था जो भी राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियां थी उन पर रोक लगाना। जो भी, क्योंकि इस समय जब 1919 का जो समय था उस समय काफी अधिक मात्रा में क्रांतिकारी गतिविधियां जो है सक्रिय थी, तो इन्हीं गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें किसी को भी संदेह के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता था और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था। तो ऐसा एक्ट जो था, इसके विरोध में एक व्यक्ति थे, इन्होंने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था कि हम अंग्रेजों को लगान नहीं देंगे और ये एक आंदोलन के रूप में फैलेगा और कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान लगान नहीं देगा। तो ऐसा सुझाव देने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद थे। तो स्वामी श्रद्धानंद द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि इस एक्ट के विरोध में कोई भी लगान नहीं देगा। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? अंग्रेजों का जो रॉलेट एक्ट लाने के पीछे का जो लक्ष्य था वो क्या था? इनका जो लक्ष्य था वो था कि बिना मुकदमा चलाए किसी को भी बंदी बनाया जा सकता है, और जो मुकदमे की सुनवाई होगी वो संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा होगी और अपने अकॉर्डिंग होगी। जैसा कि बताया कि इसमें संदेह के आधार पर भी किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है और उस पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है, और जो मुकदमा चलाया जाएगा बहुत ही संक्षिप्त रूप से चलाया जाएगा, उसको ज़्यादा लंबे समय तक नहीं खींचा जाएगा और बहुत ही जल्द उस पर निर्णय भी ले लिया जाएगा। तो ये जो कानून था इसका काफ़ी बड़ी मात्रा में विरोध भी हुआ, और इसी जो एक्ट था इसके विरोध के लिए ही जलियांवाला बाग में कुछ लोग उपस्थित हुए थे जिनको ऊपर जो है गोलीबारी की गई थी। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ 1919 में ही हुआ, तो उसके समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? जब ये हत्याकांड हुआ तो उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो उस समय भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी से त्याग पत्र दे दिया था? इस हत्याकांड के विरोध में कई लोगों ने अपनी उपाधियों और उनको जो भी सम्मान मिले थे उन्होंने वो वापस किए थे, चाहे वो गांधी जी हों या फिर जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने अपनी अपनी उपाधियां जो है वो वापस कर दी थी। तो इसी हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी से त्याग पत्र देने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? वो थे सर शंकर नायर। इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी में जो भारतीय सदस्य के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी उससे इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो कांग्रेस की जांच कमेटी थी उसकी रिपोर्ट का प्रारूप कैसा हो ये लिखने का जो कार्य सौंपा गया था वो किसे सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने उस समिति का प्रारूप जो है वो निर्धारित किया था। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बाद में जो खिलाफत आंदोलन था इसमें तुर्की से ये आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ, जो तुर्की के मुसलमान थे उनके द्वारा, जो वहाँ के खलीफा थे उनके सहयोग के लिए जो है ये आंदोलन प्रारंभ किया गया था, और विश्व युद्ध के दौरान जो संधि हुई थी उस संधि के विरोध में ये आंदोलन जो है यहाँ पर चलाया गया था। तो खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे भारत में वो कौन थे? वो थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। तो मोहम्मद अली और शौकत अली जो थे वो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो 1919 में जो इनका पहला अधिवेशन हुआ उसमें जो अध्यक्ष चुने गए थे वो महात्मा गांधी को चुना गया था, और महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का पूर्ण रूप से सहयोग किया था क्योंकि जो तुर्की के खलीफा थे वो महात्मा गांधी के मित्र थे। तो इन्होंने खिलाफत आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया और उसमें पूर्ण रूप से सहयोग भी दिया। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? जो खिलाफत आंदोलन था उसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि जो हिंदू मुस्लिम मतभेद थे उनमें कमी आई। जो हिंदू और मुसलमानों में जो मतभेद थे उस दौरान उसमें इस आंदोलन के बाद जो है थोड़ी सी कमी आई। नेक्स्ट है, किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन
नहीं किया था। खिलाफत आंदोलन का समर्थन ना करने वाला जो भारतीय नेता था वो कौन था? वो थे मदन मोहन मालवीय। इन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला जो असहयोग आंदोलन शुरू किया वो 1920 में शुरू किया। 1920 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, सॉरी जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था, उसमें इस आंदोलन जो असहयोग आंदोलन था उसको प्रारंभ करने की अनुमति दी गई और महात्मा गांधी जी को इसको चलाने का जो है नेतृत्व करने का जिम्मेदारी सौंपी गई। तो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जिसका जिम्मेदारी जो है महात्मा गांधी को सौंपी गई और इन्होंने ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और बाद में इसके लिए एक आपातकालीन जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो भी बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी के द्वारा की गई थी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट आपको इजीली अवेलेबल हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।